आज हम डिस्कस करेंगे एक आर्मी की मैराथन क्लास डिस्कस करेंगे जिसमें टॉप 100 प्रश्न आपके रहेंगे, महत्वपूर्ण आपके 100 प्रश्न रहेंगे जिसमें आपके लिए टारगेट रहेगा 95 नहीं 100 क्वेश्चन का टारगेट रहेगा, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं। चलिए दोस्तों सेशन को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। जो दोस्त जुड़ चुके हैं जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और जल्दी से कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत लिख दीजिएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर एक की ओर से है, क्वेश्चन आपके सामने यानी सेशन आपके सामने है। चलिए दोस्तों चलिए चलिए दोस्तों तो आर्मी के तो 100 प्रश्न आपके रहेंगे, आर्मी अग्निवीर की मैराथन क्लास आपकी रहने वाली है जिसमें आपके लिए जो टारगेट है 95 प्लस अगर आप सही कर रहे हो तो आपकी तैयारी जो है बहुत ही ज्यादा बढ़िया चली हुई है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर एक की ओर से, क्वेश्चन नंबर एक आपके सामने है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर एक आपके सामने है, बॉक्साइड के धातु का अयस्क है, बॉक्साइड इज दी और ऑफ विच मेटल, ऑप्शन सुनिएगा तांबा एल्यूमिनियम टीन या फिर सोना। चलिए दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन नंबर एक का राइट आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर एक का राइट आंसर क्या रहेगा, बॉक्साइड इनमें से किसका अयस्क है, नेहा मौर्या ए बता रही है, बी बता रहे हैं ए बता रहे हैं कॉपर, नहीं बॉक्साइड से जब भी पूछता है बॉक्साइड मोस्ट इंपोर्टेंट है, पहले एग्जाम में पूछा गया, अगर आप एल्यूमिनियम गोल्ड या कुछ भी बता रहे हो ठीक है आपका राइट आंसर नहीं है। इसका राइट आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही दोस्तों ऑप्शन नंबर बी एल्यूमिनियम इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दो की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर दो आपके सामने है, सोने का रासायनिक प्रतीक होता है, व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ गोल्ड, ऑप्शन सुनेगा FeAuGb या फिर Ag। चलिए जल्दी बताइए, हाय गुड मॉर्निंग मुस्कुराहट फैन पेज, जल्दी गुड मॉर्निंग सर एल्यूमिनियम बिल्कुल सही, अग्निवीर के लिए कौन सी बुक लेनी चाहिए, अग्निवीर बुक देखिए अग्निवीर के लिए हमारी ई बुक है जो कि आपको आगे बता दिया जाएगा, जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या आएगा, बिल्कुल सही दोस्तों क्या सोने का जो प्रतीक होता है क्या होता है Au होता है, क्या होता है Au आपका होता है, लोहे का Fe मेरे ख्याल से होता है और Ag जो होता है जब तक मुझे याद है शायद सिल्वर का होता है, जरूर आप बताइएगा। एक बार सभी दोस्त बताइए आप सभी को आवाज सही आ रही है और वीडियो की क्वालिटी अच्छी आ रही है या नहीं आ रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीन के बढ़ते, क्वेश्चन नंबर तीन आपके सामने है, बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या होता है, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ सल्फेट लाइम, ऑप्शन सुनेगा कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर कैल्शियम बाइकार्बोनेट। चलिए दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन नंबर तीन का राइट आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर तीन का राइट आंसर क्या रहेगा, ए बता रहे हैं, बी बता रहे हैं, नहीं पायल बिल्कुल सही, आखिरी भाई दीपक कुमार बिल्कुल सही, गनी वर्दी बिल्कुल सही, नहीं यहाँ पर राइट आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर तीन का, बिल्कुल सही दोस्तों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, किसका रासायनिक नाम होता है, बुझे हुए चूने का रासायनिक नेम होता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर चार आपके सामने है, क्वेश्चन है 32 डिग्री फारेनहाइट डैश के बराबर होता है, 32 डिग्री फारेनहाइट इज इक्वल टू 48 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 24 डिग्री सेल्सियस। चलिए दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर क्या रहेगा, जल्दी से बिल्कुल सही दोस्तों क्या कितना होता है 0 डिग्री, इसे 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है और 100 डिग्री सेल्सियस से आपको क्या याद रखना है, 100 डिग्री सेल्सियस से आपको याद आता है क्या, पानी का बॉइलिंग पॉइंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, क्वेश्चन है
जब बर्फ पिघलती है तो उसका घनत्व, तो उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? शून्य हो जाता है, समान रहता है, कम हो जाता है या फिर बढ़ जाता है? When ice melt its density, तो उसके डेंसिटी में या फिर उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? जल्दी से बताइए। बिल्कुल मोहित भाई, क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। बिल्कुल सही दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी जो भी दोस्त बता रहे हैं बिल्कुल सही दोस्तों, डी इसका राइट ऑरिजिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। अमरकंटक पठार से किस नदी का उत्पन्न होती है, फिर किस नदी की उत्पत्ति होती है? ऑप्शन सुनिएगा, नर्मदा नदी, टोंस नदी, देवता नदी या फिर गोदावरी नदी। चलिए दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या रहेगा? गोदावरी, माफ कीजिए, नर्मदा, माफ कीजिए, अमरकंटक से किस नदी का उद्गम होता है? बिल्कुल सही दोस्तों, किस नदी का? नर्मदा नदी का। ऑप्शन नंबर ए जो भी दोस्त बता रहे हैं बिल्कुल सही दोस्तों, ए इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? बाउंड्री, इंटरनेशनल बाउंड्री है जिसके बीच इंडिया और चाइना के बीच, उसे कहा जाता है मैकमोहन लाल रेखा, रेड क्लिफ रेखा, द्रुवंद रेखा। आपको बताना है द्रुवंद रेखा जो है किसके मध्य है, जरूर बताइएगा द्रुवंद रेखा किसके मध्य है। यहाँ पर बात हो रही है किसकी? भारत और चीन की। तो बिल्कुल तो क्या मैकमोहन रेखा को क्या कहा जाता है? भारत और चीन की रेखा कहा जाता है। और रेड क्लिफ से आपको याद रखना है, रेड से रेड जोन किसमें आता है? भारत और पाकिस्तान में आपका रेड जोन आता है, तो रेड जोन की आपको याद हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 है, इंडिया गेट किस शहर में स्थित है? अब याद रखिएगा आपके 100 क्वेश्चन में से 80 क्वेश्चन ऐसे हैं जो ठीक है, 80 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं, तो बहुत ज्यादा चांस है यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। इंडिया गेट कहाँ? बिल्कुल सही दोस्तों, कहाँ? दिल्ली में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया पूछा जाए तब क्या? मुंबई इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल डैश में आयोजित किए जाएंगे या फिर डैश में आयोजित रहेंगे। 2028 के जो समर ओलंपिक होंगे ये कहां पर किए जाएंगे? ऑप्शन सुनिएगा, बीजिंग में, पेरिस में, लंदन में या फिर लॉस एंजलिस में। चलिए दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा। जल्दी से पेरिस, 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 दीपक आए, बिल्कुल से दीपक भाई ने राइट आंसर बताया क्या? लॉस एंजलिस में। कहा? लॉस एंजलिस में। अब यहाँ पर समर ओलंपिक की बात हो रही है, ओलंपिक की बात नहीं हो रही, समर ओलंपिक की बात हो रही है, तो समर ओलंपिक है लॉस एंजलिस में करे जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट रहेगा। और लॉस एंजलिस है कहाँ पर स्थित है? लॉस एंजलिस आपका जरूर बताइएगा कौन से देश में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म समाज के संस्थापक थे? ब्रह्म समाज की फाउंडेशन यह किसके द्वारा रखी गई थी? ऑप्शन सुनिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती, महादेवी गोविंद रनाडे, केशव चंद्र सेन या फिर राजमोहन राय या फिर राजा राम मोहन राय। चलिए जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा। ब्रह्म समाज की स्थापना जो किसके द्वारा करी गई थी? बिल्कुल सही दोस्तों, किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय द्वारा करी गई थी। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों राइट रहेगा। और कब करी गई थी? ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब करी थी, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, 1928 में कब करी गई थी? बिल्कुल सही दोस्तों, कब? 1928 में करी गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? वो वासी फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ इंडिया। ऑप्शन सुनेगा, कमला नेहरू, मैडम भिकाजी कामा, द्रौपदी नायडू या फिर विजय लक्ष्मी पंडित। चलिए दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या रहेगा? हेलो नेहा भाई, गप्पे मत मारो, ठीक है, एनसीसी कैड, ठीक है, जल्दी से बताओ भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? बिल्कुल दोस्तों कौन थी? सरोजनी नायडू थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सी दोस्तों, सी इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? वैश्विक तापमान में वृद्धि, इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर, वैश्विक तापमान में कमी, समुद्र के पानी में तापमान में वृद्धि या फिर नदियों और झीलों के तापमान में वृद्धि।
अब ये क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट है ग्लोबल वार्मिंग और ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन आपका आता है, ग्लोबल वार्मिंग किसे कहा जाता है? जल्दी से बताइए, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या रहेगा? 12 का बी नहीं, ए बिल्कुल से बिल्कुल बी नहीं होगा, इसका ए राइट आंसर होगा। क्या होगा? वैश्विक तापमान में वृद्धि, इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर। ग्लोबल यानी पूरे पृथ्वी का, यानी पूरे विश्व का जो क्या है ग्रीन हाउस प्रभाव, यानी ग्रीन हाउस प्रभाव में जो गैसें आती हैं उनके कारण जो है टेम्परेचर क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, तो ज्यादा बढ़ रहा है, उसी कारण जो है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और जो ग्लेशियर है वो जल्दी से पिघल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद है क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने दोस्तों। क्वेश्चन है पेंसिलिन एंटीबायोटिक डैश से प्राप्त होती है। यहाँ से क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, पेंसिलिन क्या है? एक एंटीबायोटिक है। यह प्राप्त की जाती है किसके द्वारा? कवक से, शिवाल से, जीवाणु से या फिर नील हरित शिवाल से। चलिए दोस्तों दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर बताइए। इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर, बिल्कुल सही, जल्दी से बताइए। और हमेशा ही क्वेश्चन का आंसर जो है ए बी सी में ना दिया करो, हमेशा दिया करो 13 का क्या होगा, जैसे 13 का ए होगा, 13 का बी होगा, 13 का सी होगा या फिर 13 का डी होगा। जल्दी से बताइए, पेंसिलिन जो है एक एंटीबायोटिक है और इसके जो है ठीक है इसे कहाँ से प्राप्त किया जाता है? बिल्कुल से दोस्तों कहाँ से? फंगस से। कहाँ? फंगस यानी कवक से प्राप्त किया जाता है। कहाँ से? कवक से। सी नहीं होगा भाई, बैक्टीरिया नहीं होगा, ठीक है, बैक्टीरिया इसका राइट आंसर नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। क्वेश्चन है डैश को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, डैश इज आल्सो नाउ ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ऑप्शन है SMPS, सीडी ड्राइव, हार्ड डिस्क या फिर CPU। जल्दी से बताइए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पेंसिलिन का आविष्कार किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, सभी को बताया, ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, आगे पूछेंगे किसी और मैराथन क्लास में। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल से दोस्तों कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे? CPU को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही दोस्तों, डी इसका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने। क्वेश्चन है CaOCl2 का सामान्य नाम होता है, सूत्र है CaOCl2 जो होता है किसका सूत्र होता है? ऑप्शन दिएगा वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा या फिर बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा और या फिर बेकिंग पाउडर का। चलिए जल्दी से राइट आंसर बताइए, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, बिल्कुल ब्लीचिंग सोडा, ब्लीचिंग सोडा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या लेगा? ब्लीचिंग पाउडर, ऑप्शन नंबर डी, जो भी दोस्त सारे हैं ब्लीचिंग पाउडर का राइट आंसर रहेगा। सूत्र याद रखिएगा, और इसका कैल्शियम भी है, इसका नाम जो होता है इसका रासायनिक नाम जो होता है क्या होता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। क्या होता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जो होता है ब्लीचिंग पाउडर का, क्या ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, बैरोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? अब बैरोमीटर 3 से 4 बार हमारी क्लासों में कंफ्यूजन हो गया है, तो बैरोमीटर से हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। बैरोमीटर का प्रयोग किसके लिए? वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। बस प्रेशर आपको देखना है, प्रेशर कहाँ दिया हुआ, प्रेशर आपका किससे जोड़ देना है? बैरोमीटर से आपको जोड़ देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने। क्वेश्चन है डैश पारे का एक अयस्क होता है, डैश इज एन और ऑफ दी मर्करी। ऑप्शन लिएगा मैग्नेटाइट, त्रिबार, हेमेटाइट या फिर बॉक्साइट। बॉक्साइट डिस्कस कर चुके हैं, ये एल्यूमिनियम का होता है। हेमेटाइट जब तक मुझे पता है, ये आयरन का होता है। और सिनेबार किसका होता है? बिल्कुल सिनेबार किसका होता है? पारे यानी हमारी मर्करी का होता है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, जो भी दोस्त बता रहे हैं इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। और आपको बताना है मैग्नेटाइट जो होता है किस, ठीक है, किस धातु का या फिर किस मेटल का अयस्क होता है। चलिए जल्दी से बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने। क्वेश्चन है, चलिए बिल्कुल एक विद्युत सेल डैश को रूपांतरित करता है, क्या है? इलेक्ट्रिक सेल है, कन्वर्ट करेगा किसे? स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में, स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में या फिर रासायनिक ऊर्जा को किसे? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। चलिए दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या रहेगा? दादा बिच बुक इज फिल्ड विद टेक फॉर अग्निवीर, अग्निवीर जीडी के लिए बेस्ट बुक जो है
ठीक है, अब मुझे मेरे पास कोई बुक आई नहीं है, एक दो दिन में कोई बुक आएगी तो बताऊंगा आपको, और बाकी डिस्कस करते हैं हमारी ईबुक के बारे में भी। बिल्कुल ठीक है, तो क्या ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, क्योंकि विद्युत सेल जो होता है, विद्युत सेल में कन्वर्ट क्या होता है, विद्युत सेल में रासायनिक ऊर्जा इकट्ठी होती है, और रासायनिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है, रासायनिक ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। बिल्कुल ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने क्वेश्चन है, मलेरिया किस मच्छर के काटने से फैलता है, मलेरिया इज स्प्रेड बाय द बाय ऑफ विच मॉस्किटो, ऑप्शन है मादा एनोफिलीज मच्छर, नर मादा और नर एनोफिलीज मच्छर, एडीज मच्छर या फिर लेप्स। अब लेप्स मच्छर होता है या नहीं होता, अब उसका मुझे पता नहीं, वहां बात की जाए मलेरिया की 2020 या उससे पहले क्वेश्चन पूछा जाता था, मलेरिया रोग है किसके काटने से होता है, बिल्कुल सी दोस्तों किसके काटने से, मादा यानी फीमेल, फीमेल से याद रखना है, फीमेल जो है हमेशा ही खून चूसती है, क्या करती है खून चूसती है, तो मलेरिया में क्या हो रहा है हमारा खून चूसा जा रहा है, तो किसके द्वारा, फीमेल द्वारा, फीमेल कौन सी, फीमेल की मादा एनोफिलीज मच्छर, बिल्कुल सी दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 आम आपके लिए, 20 आपके सामने है, क्वेश्चन सुनिएगा फिर बिल्कुल, आईसीसी का पूर्ण रूप क्या है, द फुल फॉर्म ऑफ द आईसीसी, ऑप्शन सुनिएगा, ऑप्शन इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट है, क्योंकि आईसीसी जो है इस साल का जो वर्ल्ड कप होगा वो भारत में करने जा रही है, और उसका मुख्यालय बता देता हूँ, उसका मुख्यालय दुबई में है, और दुबई कौन सी कंट्री है, यूएई, दुबई में होने वाला है क्या, दुबई में होने वाला नहीं, दुबई में आईसीसी का क्या है हेडक्वार्टर स्थित है, बिल्कुल सही, और आईसीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल, क्या इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग, बिल्कुल सी दोस्तों, क्या ऑप्शन नंबर डी इसका राइट रहेगा, क्या इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग जो होता है इसका राइट आंसर रहेगा, क्या इंडिया क्लब काउंसिलिंग, भाई कैसे बता रहे इंडिया करेक्ट है, यहाँ पर राइट आंसर रहेगा इंटरनेशनल, क्या है आईसीसी है इंटरनेशनल क्रिकेट आ गया काउंसिलिंग करने वाला, ठीक है मैं आपकी काउंसलिंग कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ काउंसलिंग कर रहा हूँ, तो काउंसलिंग कौन करता है, क्रिकेट करता है, क्रिकेट की जगह इंटरनेशनल आता है आईसीसी में, ठीक है, तो बिल्कुल सही दोस्तों डी इसका राइट आ रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने क्वेश्चन है, डैश में वायसराय कर्नल द्वारा या फिर वायसराय कर्जन द्वारा या कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था, लॉर्ड कर्जन द्वारा जो है बंगाल का विभाजन किया गया था 1903 में, 1907 में, 1901 में या फिर 1905 में, सीधा बोलू 2020 में, 2019 क्लर्क में और जीडी में क्वेश्चन पूछा गया था, 2018 के आसपास भी क्वेश्चन पूछा गया था, जल्दी तो बताइए कब लॉर्ड कर्जन द्वारा या फिर वायसराय कर्जन द्वारा जो है बंगाल का विभाजन कब करा गया था, बिल्कुल थी दोस्तों कब 1905 में करा गया था, बिल्कुल थी दोस्तों ऑप्शन नंबर डी का राइट और दूसरा, और आपको बता रहे हैं बंगाल का विभाजन यहां से कब रद्द कर दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार डैश द्वारा किया गया था, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किया गया था किसके द्वारा, नरसिंह कापानिया द्वारा, रे टॉमसन द्वारा, सैमुअल मॉर्स द्वारा या फिर ऑलिवर इवास द्वारा, इंपॉर्टेंट या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था कि ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किया गया था किसके द्वारा, ऑप्शन आपके सेम थे, जल्दी बताइए सर मैं आसाम छू जैन हुए, वेलकम भाई सर, आप पीडीएफ से 100% पीडीएफ देखेंगे, पीडीएफ जब मिलेगी आप टेलीग्राम ग्रुप याद रखना, नीचे आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप सर्च कर सकते हैं या फिर द आर्मी वाइज सर्च कर सकते हैं, वहां से भी आपको नेशनल फ्लैग लगा होगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो, जल्दी से बताइए 22 का क्या होगा, डी 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 सी 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 सैमुअल मॉर्स, नहीं दोस्तों ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर नहीं रहेगा, ऑप्शन नंबर ए नरिंदर सिंह कंपानी, बिल्कुल जी दोस्तों नरिंदर सिंह कंपानी जो थे भारतीय हैं, ठीक है या फिर कह सकते हैं भारतीय मूल के हैं, जिन्होंने जो है किसका आविष्कार किया था, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किया गया था, और यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफरेंट और या फिर इम्पोर्टेंट कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछा गया, आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था। चलिए नरिंदर सिंह कंपानी बिल्कुल थे भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है, क्वेश्चन है पोलियो वैक्सीन की खोज किसने करी थी, हु डिस्कवर्ड दी पोलियो वैक्सीन, ऑप्शन सुनिएगा कोमार जूस, जोनास टॉल्क, लुई पास्टर या फिर एली पहिटन,
चलिए दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर बताइए। ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। पोलियो के वैक्सीन की आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? बिल्कुल किसके द्वारा? जोहान्स फॉक द्वारा। किसके द्वारा? जोहान्स फॉक द्वारा करा गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। लुई पाश्चर इसका राइट आंसर नहीं होगा। अब यहाँ पर कंफ्यूजन आपको होगा, ठीक है। पोलियो वैक्सीन बहुत सारे ऑप्शन देता और बहुत सारे व्यक्ति बताता है, पर ऑप्शन डिपेंड करता है कि आपको ऑप्शन क्या दिया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी इसका राइट रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है। क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? When is the World Water Day celebrated? अगर आपने रात वाली क्लास लगाई होगी तो सभी को बताया कि जो क्या विश्व जल दिवस है कब मनाया जाता है। बिल्कुल कब मनाया जाता है जल्दी बताइए। कब? 22 मार्च को। बिल्कुल कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर है। 22 मार्च को बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने क्वेश्चन है, विजय घाट किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? राजघाट इज लोकेटेड दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश या फिर उत्तराखंड। चलिए दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर देखिए। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या रहेगा? और विजय घाट जो है किसकी का आस्थापित स्थल है? लाल बहादुर शास्त्री जी का। लाल बहादुर शास्त्री जी का क्या है? लाल बहादुर शास्त्री जी का समाधि स्थल है। ये कहां पर स्थित है? बिल्कुल दोस्तों कहां पर स्थित है? दिल्ली में आपका स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने क्वेश्चन है, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी की क्या पूछे हैं? चेयरमैन कौन थे? ऑप्शन सुनेगा, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। जब भी पूछता है ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, बिल्कुल दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है। क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? हुवासी टेम्परेरी टेम्परेरी माफ कीजिएगा टेम्परेरी प्रेजिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? जल्दी से राइट आंसर बताइए। बिल्कुल कौन थे? डॉक्टर सत्यनारायण सिन्हा थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है। क्वेश्चन है, भारत के मिसाइल मैन के रूप में किसे जाना जाता है? 2020-2022 अग्निवीर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। हाल ही के एग्जाम में पूछा गया था, जो 15 जनवरी को एग्जाम हुआ था, और मैं बहुत ज्यादा चाहता था कि आगे भी पूछा जाएगा। जल्दी से बताइए भारत का मिसाइल मैन किसे? बिल्कुल किसे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने है। क्वेश्चन है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? विच प्लैनेट इज कॉल्ड दी रेड प्लैनेट? बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये क्वेश्चन कल ही परसों करवाया था। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? बिल्कुल किसे? मार्स को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने क्वेश्चन है, सूर्य से तारों की दूरी मापने की इकाई को क्या कहा जाता है? ये सूर्य है, सूर्य से तारे या फिर सूर्य से जो है, ठीक है, या फिर पृथ्वी से जो है सूर्य की दूरी भी मापेंगे, उसे किसमें मापेंगे? उसे हम लाइट एयर में मापेंगे। कितनी में? प्रकाश वर्ष में मापनी है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए का राइट आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने क्वेश्चन है, प्रकाश की गति निम्नलिखित में से किस माध्यम में अधिकतम होती है? प्रकाश फिर एरर आया था मेरे घर से, माफ कीजिएगा। क्या रहेगा आंसर? वायु में ए ए ए बी 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 सी। बट इस क्वेश्चन में प्रकाश की गति वैक्यूम में होती है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल तो ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड? ऑप्शन है 5 जून, 5 अप्रैल, 5
दिसंबर अक्टूबर को, जल्दी से बताइए। दोस्तों कब विश्व पर्यावरण कब 5 जून को मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए का राइट पढ़ दिया। एक बार बताइए, आपको आवाज सही आ रही आ रहा है? चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए एक बार, सही ठीक है, मुझे कुछ एरर देखने को मिल रहा है। एक बार थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ। ठीक है आवाज सही नहीं, सही नहीं आ रही इसकी है, माफ कीजिएगा, आवाज सही नहीं आ रही। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन अरे माफ करता हूँ, मैं देखता हूँ कुछ वाईफाई में कुछ इशू होगा। चलिए जब तक जो है आप क्वेश्चन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलिए नेटवर्क कुछ इशू है, ठीक है, मेरे वाईफाई में कुछ नेटवर्क इशू है, ठीक है, इसलिए माफ कीजिएगा। चलिए चलिए आप सही हो गए क्योंकि वाईफाई में कुछ इश्यू आ रहा। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने क्वेश्चन है। दूध से क्रीम को डैश प्रक्रिया द्वारा अलग किया जाता है? ऑप्शन सुनिएगा, बाष्पीकरण, ऊर्ध्वावर्तन, आसवन या फिर अपकेंद्रीय के कारण। चलिए दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर देखिए। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर क्या रहेगा? चलिए जल्दी से बताइए। दी, बिल्कुल जी, दूध से क्रीम, ठीक है, दूध से क्रीम निकाली जाती है किसके द्वारा? अप केंद्रीय बल द्वारा या फिर अप केंद्रीय किरण द्वारा। तो बिल्कुल जी दोस्तों ऑप्शन नंबर डी का राइट आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने क्वेश्चन है। डैश धातु को हमेशा मिट्टी के तेल यानी केरोसिन के तेल में रखा जाता है? डैश मतलब आल्सो कीप इन केरोसिन ऑयल। ऑप्शन मिलेगा सोडियम, हीलियम, कैल्शियम या फिर एल्यूमिनियम। चलिए दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन 35 का राइट आंसर देखिए। क्वेश्चन 35 का राइट आंसर क्या रहेगा? ए, बिल्कुल सही दोस्तों, किसे सोडियम को हर बार है किसमें रखा जाता है? सोडियम को केरोसिन यानी मिट्टी के तेल में रखा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रतिकोण विद्युत का सुचालक है? गुड कंडक्टर ऑफ क्या? इलेक्ट्रिसिटी, नल का जल, समुद्र का जल, नल और समुद्र का जल दोनों या फिर आसूत जल। जल्दी बताइए क्वेश्चन में 36 का राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही दोस्तों, क्या ऑप्शन नंबर सी, जल और समुद्र का जल दोनों क्या होते हैं? क्या होते हैं? गुड कंडक्टर होते हैं। किसके गुड कंडक्टर होते हैं? इलेक्ट्रिसिटी के। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने क्वेश्चन है। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन ए ह्यूमन बॉडी? जल्दी बताइए। टैप टू सी वाटर, बिल्कुल सी दोस्तों, कितनी? 206 हड्डियां आपकी होती है। मोहन जोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? जल्दी से बताइए। मोहन जोदड़ो इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच राइवर? रावी, झेलम, चिनाब या फिर सिंधु नदी। और आवाज से कोई भी आता है तो जरूर जो है कमेंट बताइए। जरा क्लियर नहीं दिख रहा भाई, यहाँ से जो है आप क्वालिटी जो है 180 दी है, 136 कर लो, 360 कर लो या फिर 480 कर लो, ठीक है, 360 कर लो, 480 कर लो, जरूर साफ दिखेगी, मैं भी उसी में देख रहा हूँ। ठीक है सिंधु तो कौन सी नदी पर सजता है? सिंधु नदी। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने, वाराणसी किस नदी के किनारे स्थित है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2020 में ये क्वेश्चन 3 से 4 बार रिपीट ही रहा था। वाराणसी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, गंगा, यमुना, सरस्वती या फिर गोदावरी? जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर क्या रहेगा। बिल्कुल जी दोस्तों, कौन सी नदी गंगा नदी के तट पर स्थित है? चलिए क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? सबसे लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन पूछा हुआ है, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन या फिर भारत? बिल्कुल जी दोस्तों, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान पूछा जाए तो किसका है? हमारे प्यारे भारत का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने, यूएनओ का गठन, आपके लिए दोस्तों फिर से कुछ एरर आ रहा है, मेरे भाई साहब ने कुछ एरर आ रहा है, इनमें पर ऑप्शन को नहीं आ रहा सर, मेरे इनमें पर ऑप्शन भी आ रहा, माफ कीजिएगा थोड़ा सा एरर चाहिए। आप क्या जल्दी इसका राइट आंसर बताइए, ईमेल पर ओटीपी नहीं आ रहा तो आप जो है अपनी अभी है ईमेल आईडी चेक करिए या फिर आप चेक करिए। बीएसएनएल का लगाया तो आपको पता है बीएसएनएल की सर्विस ऐसी ही है, डेटा का है नहीं भी है तो मैं वाईफाई चेंज कर लेता, बफरिंग आ रहा है माफ कीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या रहेगा, यूएनओ की स्थापना हुई थी कब हुई थी? 24 अक्टूबर कब? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और इसकी स्थापना कहाँ बताना है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जरूर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट? जल्दी से बताइए आंसर क्या रहेगा। बिल्कुल कौन, बछेंद्री पाल, ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर रहेगा। और क्वेश्चन पूछ जाए कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय कौन बनी थी? तब संतोष यादव आपका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है, भारत में सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर होते हैं, सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्मर्ड फोर्सेस इन कौन होते हैं? बिल्कुल तो कौन होते हैं, भारत के राष्ट्रपति होते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में भारत कोकिला या फिर भारतीय कोकिला के उपनाम से किसे जाना जाता है? भारत कोकिला, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, किसे कहा जाता है? जल्दी से बताइए, लता मंगेशकर, इंदिरा गांधी, सरोजनी नायडू या फिर पीटी ऊषा को? जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही दोस्तों, किसे सरोजनी नायडू को कहा जाता है, ना कि लता मंगेशकर को, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा या फिर निम्नलिखित में से कौन सा सप्तमेव जयते का स्रोत है? सप्तमेव जयते का स्रोत है यजुर्वेद, ऋग्वेद, मुंडक उपनिषद या फिर इनमें से कोई नहीं? लखनऊ से कौन कौन है रिप्लाई करिए भाई जल्दी से। बिल्कुल तो कहां से, मुंडक उपनिषद से क्या लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है हमारा सप्तमेव जयते। क्वेश्चन नंबर 40 पकड़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड निम्नलिखित में से किसके साथ स्वामित है? दूध उत्पादन से अंडा उत्पादन और मुर्गी उत्पादन से, बाघ के निर्माण से या फिर बाढ़ निर्माण से? चलिए आपको जल्दी से क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर दे, क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर क्या रहेगा? सबसे मुझे से बिल्कुल से दोस्तों लखनऊ से, भाई जल्दी से बताओ 40 का क्या आएगा? बिल्कुल से दोस्तों, ऑपरेशन फ्लड जो है किससे संबंधित था? दूध उत्पादन से संबंधित था या फिर डेयरी उत्पादन से संबंधित था? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन सुनिएगा, भूपर पट्टी में कार्बन का लगभग प्रतिशत कितना है? कार्बन है टोटल परसेंटेज में पाई जाती है पृथ्वी की भूपर पट्टी पर 0.045%, 0.025%, 0.015% या फिर 0.005%। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 47 का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? यहाँ भी कंफ्यूजन है नहीं, यहाँ पर राइट आंसर रहेगा पृथ्वी की भूपर पट्टी या फिर भूपर पट्टी पर जो कार्बन की लगभग प्रतिशतता होती है कितनी होती है? 0.25 होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह और आवर्त होते हैं? ग्रुप्स और फ्रीक्वेंसी आपके पूछे हैं, टोटल कितने होते हैं? जल्दी से बताइए। बिल्कुल दोस्तों कितने होते हैं, 18 और 7 होते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने प्रवचन किस भाषा में दिए थे?
गौतम बुद्ध द्वारा जो है अपने प्रवचन कौन सी भाषा में दिए गए थे, तमिल, संस्कृत, मगधी या फिर पाली में? जल्दी से बताइए राजू सर, क्या रहेगा? बिल्कुल, तो दोस्तों किस भाषा में दिए गए थे? पाली भाषा में दिए गए थे। ऑप्शन नंबर डी का राइट रहेगा। और पूछी जाती है कि गौतम बुद्ध से कौन सी भाषा सीखी थी, तो राइट आंसर क्या रहेगा? पाली भाषा का राइट आंसर आ रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने क्वेश्चन है, भारत में किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए निर्धारित नियुक्ति आयु सीमा 22 वर्ष होती है। यानी आपको अगर किसी भी राज्य में गवर्नर बनना हो, क्या करना हो? गवर्नर बनना हो तो आपकी आयु कितनी होनी चाहिए, मिनिमम कितनी होनी चाहिए? बिल्कुल सिद्ध को कितनी, 35 वर्ष होनी जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 51 आपके सामने क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बुकर पुरस्कार प्रदान किया जाता है? बुकर पुरस्कार दिया जाता है किस फील्ड में? साहित्य, विज्ञान, संगीत या फिर पत्रकारिता? जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 51 का। दोस्तों 51 का राइट आंसर क्या रहेगा? जल्दी से, बिल्कुल से दोस्तों, बुकर पुरस्कार जो है किसमें? साहित्य में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 आपके सामने क्वेश्चन है, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक किसने लिखी थी? अब इस क्वेश्चन को बोलूं तो इंडिया विंस फ्रीडम ये बुक पूछी गई है 2020 में, शायद 2021 में पूछी गई हो तो मुझे याद नहीं है। इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखी थी? बिल्कुल से दोस्तों किसने? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है, ताजमहल किस शहर में स्थित है? इन विच सिटी ताजमहल लोकेटेड? ऑप्शन है लखनऊ, रांची, राजगीर या फिर आगरा। ताजमहल हमने डिस्कस करा था कल, तो ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? ताजमहल का निर्माण कराया था शाहजहां ने। और ये कहां पर स्थित है? बिल्कुल सिद्ध तो कहा, आगरा में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी का राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है, भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है, शिक्षक दिवस मनाया जाता है डॉक्टर एस राधाकृष्णन की जयंती पर मनाया जाता है, और हर साल कब? बिल्कुल सिद्ध तो कब? 5 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 आपके सामने क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का कार्य क्या होता है? वोल्टेज बढ़ाना, वोल्टेज घटाना, ऊपर के दोनों या ऊपर के दोनों या फिर इनमें से कोई? आप बस अपना आंसर दो, ठीक है, दूसरों से आपको मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर का कार्य क्या होता है? ट्रांसफार्मर का कार्य होता है वोल्टेज को बढ़ाना और वोल्टेज को घटाना, यानी ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल तो क्या, ऑप्शन नंबर सी का राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 56 आपके सामने क्वेश्चन है, लेजर का आविष्कार किसने किया था? लेजर का आविष्कार किया गया था, ऑप्शन मिलेगा, विलियम फ्रांस ग्रीन ने, आर्थर पाई ने, थियोडोर फेमन ने या फिर ऑटो वॉन ग्वारी से? चलिए जल्दी सही से पेपर लेने के लिए कितने टाइम मिलता है भाई? पेपर के लिए आपको 60 मिनट मिलेंगे, ठीक है, 60 मिनट मिलेंगे, 60 मिनट में ही आप 55 मिनट लेकर चलो, 55 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, जिसमें से 15 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन, ये 15 क्वेश्चन मैथमेटिक्स और 5 क्वेश्चन रीजनिंग करेंगे, जो सबसे ज्यादा टाइम लेते आपका करते हैं। सर PDF आपसे मिलेगी भाई, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। जल्दी से चलिए, तो लेजर का आविष्कार किसके द्वारा दोस्तों? बिल्कुल किसके द्वारा? थियोडोर, क्या? थियोडोर मेमन द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी, क्या? ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 57 आपके सामने, ईंधन के लिए परमाणु रिएक्टर में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? क्या? परमाणु रिएक्टर में ईंधन के लिए प्रयोग किया जाता है यूरेनियम का, कैडमियम का, ल्यूटेनियम का या फिर सोडियम का? अब ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट इसके लिए है, क्योंकि परमाणु रिएक्टर जो है, परमाणु बम गिरा देंगे, परमाणु बम के लिए जो आपको चाहिए क्या? परमाणु बम के लिए आपको यूरेनियम चाहिए, जो कि एक खतरनाक क्या होता है, आपका बहुत ही दीर्घ तत्व होता है, बस याद रख लेना है। परमाणु रिएक्टर के ईंधन के रूप में किसका प्रयोग? यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 आपके सामने है, मानव मस्तिष्क का ग्राम में भार कितना होता है? मानव मस्तिष्क का भार पूछा हुआ 120 से 140 ग्राम, 250 से 300 ग्राम, 1800 से 2000 ग्राम या फिर 1200 से लेकर 1400 ग्राम? जल्दी बताइए, 57 का है, बिल्कुल सही दोस्तों, जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही दोस्तों, कितना? 1200 से लेकर 1400 ग्राम होता है या फिर 1350 होता है,
एवरेज वेट क्या होता है, एवरेज वेट होता है ब्रेन का किसी भी पवन का। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 आपके सामने, वह एकमात्र स्तनधारी कौन सा है जो उड़ सकता है या फिर उड़ने में सक्षम है। क्या ऑप्शन सुनेगा, फ्लाइंग गिलहरी, फ्लाइंग लेमरी, चमगादड़ या फिर प्लैटिपस। प्लैटिपस भी इंपोर्टेंट है, प्लैटिपस से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी मुझे याद नहीं है, जब याद आएगा उसे तब भी खुद करेंगे। यहाँ पर आइए सर बताइए एकमात्र स्तनधारी जो उड़ सकता है, बिल्कुल दोस्तों कौन, चमगादड़, ऑप्शन नंबर 3 का राइट आंसर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन सुनिएगा, इन्फ्लुएंजा रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। इन्फ्लुएंजा डिजीज जो है फैलती है बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या फिर प्रोटोजोआ। चलिए जल्दी से बताइए 60 का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 60 का जल्दी से राइट आंसर बताइए। दोस्तों जल्दी से बताइए 60 का राइट आंसर क्या रहेगा। हमारे रोल में राजस्थान की सबसे बड़ी आईहोल की सबसे बड़ी खान है। ठीक है भाई जल्दी से चलिए, किसके द्वारा इन्फ्लुएंजा रोग है बिल्कुल दोस्तों किसके द्वारा फैलता है, किसके द्वारा, वायरस द्वारा फैलता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 60 आपके सामने क्वेश्चन है, दास कैसल नामक पुस्तक के लेखक कौन है। सुदर्शन पटनिक, जेन ऑस्टिन, आर के नारायण या फिर कार्ल मार्क्स। आर के नारायण से भी आपकी एक से दो पूछी जाती है, एक मालगुड़ी देश की दूसरी आपकी याद नहीं आ रही, ठीक है, एक मालगुड़ी देश की दूसरी आपकी कुछ दे करके थी, ठीक है, आर के नारायण से मुझे याद नहीं आ रही। और आर के नारायण जो थे ये आपके बुक ऑस्कर के साथ साथ जो है कार्टून भी फ्री थी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था कि आज के नारायण सभी का ये कार्टून फ्री आपके रहे थे। और यहाँ पर आइडेंटिटी क्या रहेगा, बिल्कुल दोस्तों दास कैपिटल किसके द्वारा, कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी गई थी, ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 आपके सामने, सुंदरबन डेल्टा डैश नील द्वारा बनाया गया है। सुंदरबन डेल्टा बनाया गया है सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी और सिंधु नदी, गोदावरी नदी और कृष्णा नदी या फिर गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। या सिंपल का क्वेश्चन पूछूंगा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, जल्दी से राइट आंसर बताइए। सर मैं हूँ मणिपुर से, गुड मॉर्निंग भाई मणिपुर से हो, सेशन को जिन दोस्तों ने लाइक नहीं करा जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिएगा, सेशन को जल्दी से शेयर कर दीजिएगा, जल्दी से शेयर करिए। ठीक है यहाँ पर बात की जाए सुंदरबन डेल्टा, तो सुंदरबन डेल्टा जो है ये दो नदियों से बनता है, कौन सी नदियां दो है आपकी, जल्दी से बताइए कौन सी नदियां। और याद रखिएगा सुंदरबन डेल्टा आपका कहाँ पर स्थित है, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में स्थित है। और ये कौन सी दो नदियां बनाती है, बिल्कुल दोस्तों कौन, गंगा और ब्रह्मपुत्र, कौन सी नदियां, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां आपकी बनाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 आपके सामने क्वेश्चन है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण को क्या कहा जाता है। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण को कहा जाता है राइबोसोम, कॉजी उपकरण, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर सेट्रोसोम। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 63 का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 63 आपके एग्जाम के लिए बोल रहा है। तिर्क तिर्क मेरा बर्थडे 5/1/2006 है, मैं भर सकता हूँ भाई, एक बार अमीन आमी की वेबसाइट पर जाकर चेक कर लेना, ठीक है जल्दी से बताइए। बिल्कुल सिद्धू, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण को क्या कहता है, राइबोसोम कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 8 का राइट और रहेगा। क्वेश्चन नंबर 64 आपके सामने क्वेश्चन है, सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। साउथ एसोसिएशन, ठीक है अब नाम नहीं आ रहा, साउथ एसोसिएशन कॉर्पोरेशन, ठीक है अब नाम ही मुझे आ रहा, ठीक है सार्क का पूरा नाम नहीं आ रहा, दक्षिण क्षत्रिय कुछ करके था, ठीक है अब यहाँ पर डिस्कस करते हैं सार्क का, ठीक है अब याद रखिएगा कंफ्यूजन मत होइएगा। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है, सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में। सार्क की स्थापना हुई थी कहाँ, सार्क की स्थापना हुई थी ढाका में। कहाँ हुई थी सार्क की जो स्थापना हुई थी आपकी, कहाँ पर हुई थी, ढाका में आपकी हुई थी। और सार्क की प्रथम आप सभी को बताने के लिए सार्क की फुल फॉर्म जो है आप सभी बताइए, साउथ एसोसिएशन, अब ए से फिर मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है रीजनल, ठीक है रीजन ऑफ पॉपुलेशन कुछ करके बता, ठीक है साउथ एशियन एसोसिएशन, हाँ माफ कीजिएगा साउथ एशियन, ठीक है साउथ, ठीक है साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल और कॉर्पोरेशन, ठीक है रीजन या फिर रीजनल कॉर्पोरेशन आपका फुल फॉर्म आपकी पढ़ रही थी, रीजनल कॉर्पोरेशन इसका लेटर सर पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो बताया क्वेश्चन नंबर 65 आपके सामने,
बीएससी का पूर्ण रूप क्या है? 2020-2019 ठीक है, इन दो साल में क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी, ग्रेट सेल्स टैक्स, गुड सेल्स टैक्स, स्टैंडर्ड सेल्स टैक्स या फिर गुड एंड सर्विस टैक्स। बता रहे फिर से पूछ के पड़ेगी, सौ की सिंपल सा क्वेश्चन है, गुड एंड सर्विस टैक्स को क्या कहते हैं हम, जीएसटी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीएसटी आपका कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 आपके सामने, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट 2019 के एग्जाम में पूछा गया, उसके बाद रिपीटिंग आ रहा है, पर मेरे ख्याल से आप ऑनलाइन एग्जाम में क्वेश्चन वीडियो रिपीट रहेगा, जल्दी से चाहिए। टेस्ट में तिहरा शतक लगाने वाले पहले भारतीय कौन थे? हु वाज द फर्स्ट इंडियन स्कोर द थर्ड सेंचुरी इन टेस्ट क्रिकेट? जल्दी से बताइए, सचिन तेंदुलकर, रविंद्र सहवाग, राहुल द्रविड़ या फिर करुण नायडू। जल्दी से बी 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 बिल्कुल सही। तो कौन थे? वरिंदर सहवाग थे, 300 रन बनाने वाले पहले व्यक्ति थे कहां पर, टेस्ट क्रिकेट में। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 आपके सामने क्वेश्चन है, सोडा वाटर में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? विच गैस इज यूज्ड इन सोडा वाटर? ऑप्शन सुनिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या फिर मार्शियल गैस। चलिए दोस्तों जल्दी से 67 का राइट आंसर देखिए, क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर क्या रहेगा, सोडा वाटर में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? बिल्कुल सही जवाब था, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी का राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 आपके सामने है, दावन सोडे का रासायनिक सूत्र होता है, ऑप्शन आपके सामने, इसका राइट आंसर नहीं बताऊंगा, जल्दी से बताइए, पर धावन सोडे ठीक है, याद रखिएगा धावन सोडे, दावन सोडे का रासायनिक सूत्र, आप रासायनिक नाम आपको बताना है, रासायनिक सूत्र याद रखिएगा आप, धावन सोडा ठीक है, क्या कपड़े धोने वाला, कपड़े धोने वाले सोडे में जो है ठीक है, एक बाल्टी डालोगे, सात बाल्टी डालोगे, पांच बाल्टी डालोगे या फिर 10 बाल्टी ठीक है, आप कपड़े धो रहे हो, एक बाल्टी में कपड़े धुल जाएंगे, सात बाल्टी में कपड़े धुलेंगे या पांच बाल्टी में धुलेंगे या फिर 10 बाल्टी में धुलेंगे ठीक है। अब याद रखना है क्वेश्चन हमेशा ही पूछा जाता है, पहला ऑप्शन आपको दे देगा ठीक है, इसे हटा देगा, सीधा ऑप्शन दे देगा Na2CO3, और आप जो है ऑप्शन नंबर ए करके आ जाओगे, बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हमने सही कर लिया, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नहीं दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, Na2CO3.10H2O जो होता है, यानी 10 बाल्टियां पानी की डालोगे तब जाके जो है आपका क्या बनेगा, धावन सोडा, यानी हमारा कपड़े धोने के लिए पानी तैयार हो जाएगा या फिर धावन सोडा तैयार हो जाएगा। तो क्या रहेगा राइट आंसर? बिल्कुल दोस्तों डी इसका राइट रहेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है 2021 या 2020 का क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन पूछा गया था और सभी गलत करके आए थे, ऑप्शन नंबर ए करके इसे आए थे। भाई बड़ा भाई यार आपका जम्मू से छुट्टी, तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु प्रदूषित नहीं है? विच ऑफ दी फॉलोइंग गैस इज नॉट ए एयर पोल्यूशन? ऑप्शन दीजिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर इनमें से या फिर उपभोक्ता में से कोई नहीं। चलिए जल्दी से बताइए 69 का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा, निम्नलिखित में से वायु प्रदूषित गैस नहीं है, नाइट्रोजन। बिल्कुल दोस्तों क्या नाइट्रोजन है प्रदूषित गैस नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो की गाड़ियां छोड़ती है, नाइट्रस ऑक्साइड ये भी एक क्या है वायु प्रदूषित गैस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, किस शहर को या फिर किस भारतीय शहर को कोयला राजधानी के रूप में या फिर कोयला नगरी के नाम से जाना जाता है? जल्दी से बताइएगा, धनबाद, कुर्ग, दुर्गापुर या फिर गुवाहाटी। चलिए आवाज फिर से ब्लिंक कर दिया, थैंक यू कमेंट करने के लिए, अगर आवाज में कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या करते हैं, यहाँ पर आइडेंसर बताइए किस शहर को या फिर भारत के किस शहर को क्या कहा जाता है, धनबाद को। बिल्कुल सही दोस्तों, किसे? धनबाद को कोयला सिटी क्या कहता है, कोयला सिटी के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल सही दोस्तों, ऑप्शन नंबर एक का राइट और रहेगा। चलिए 71 आपके सामने क्वेश्चन नंबर 71 है, जल्दी से बताइए, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्या एरर आ रहा है। कुछ एरर मेरे याद में है, इसमें है ठीक है, मेरे वाईफाई में कुछ एरर है, माफ कीजिएगा, ब्लिंक कर रही है, वाईफाई जो है ब्लिंक कर रही है, तो मुश्किल से चला हुआ वाईफाई, अब कुछ एरर होगा, देखते हैं क्या बनता है।
तो गाजर में कौन सी प्रचुरता पाई जाती है? तो गाजर में क्या होती है, विटामिन ए सबसे अधिक पाया जाता है, या फिर सबसे अच्छा स्रोत है विटामिन ए का, सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है, गाजर आपकी होती है। अगर फिर से आवाज जो है रुके तो बता दीजिएगा, थोड़ा सा सर्किट जो है रोक लीजिए। क्वेश्चन है, गन मेटल किसके नीचे धातु होती है? गन मेटल इज अलॉय ऑफ, जल्दी से बताइए ऑप्शन करके, अब डिस्कस कर लेते हैं हम, ठीक है, अपनी ई बुक के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों आर्मी का आर्मी बाय यूट्यूब चैनल जो है आप सभी के लिए स्पेशल ई बुक लेके आया है, ज्यादा कहीं वेस्ट नहीं करूंगा, जिसमें आपको जो है 30 ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, और 30 ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, 5 अग्निवीर के क्वेश्चन पेपर रहेंगे जो कब हुए थे, 16 अक्टूबर, 13 नवंबर और 5 जनवरी को हुए थे, 30 मॉडल टास्क पेपर मिलेंगे, 3500 से अधिक आपको जीएस के बनाने क्वेश्चन मिलेंगे, 1000 से अधिक, 1000 अभी जो है, और 3000 जो है आपको एग्जाम से पहले, कितने 3000 से अधिक आपको एग्जाम से पहले के एमसीक्यू क्वेश्चन मिलने वाले हैं, मैथमेटिक्स मिलेगा, टॉपिक वाइज ये सारा मटेरियल हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल रहेगा, प्राइस रहेगा 59, क्या रहेगा, प्राइस 59 रहेगा, और प्राइस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या फिर पेमेंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है आपको जो है, ठीक है, आपको क्या करना है, आपको जो है पेमेंट इस नंबर की है, फोन पे, पेटीएम, यूपीआई, कहीं से भी आप पेमेंट कर सकते हैं इस नंबर पर, 70186 20 798 नंबर आपको बिल्कुल साफ दिख रहा होगा, यहाँ स्क्रीनशॉट साइन कर देना है, आपको पीडीएफ मिलेगी, क्या मिलेगी, आपको पीडीएफ मिलेगी, मुझे नंबर साफ दिख रहा है, आपको भी दिखना चाहिए। चलिए अब क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, गन मेटल जो होता है किसका मिशन होता है, बिल्कुल किसका, ऑप्शन नंबर नहीं, ऑप्शन नंबर ए नहीं, क्या ऑप्शन नंबर बी, माफ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं, बी इसका राइट रहेगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, कॉपर, टिन और जिंक, कॉपर, टिन और जिंक जो होता है किसका मिश्रण होता है, गन मेटल का मिश्रण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है, चलिए जर्मन सिल्वर डैश की वजह से धातु होती है, जर्मन सिल्वर इज ऑल अलॉय ऑफ, जर्मन सिल्वर अलॉय होता है तांबा, जस्ता और निकल का, तांबा जस्ता चांदी, तांबा और कार्बन का, चांदा जस्ता और एल्यूमिनियम का, या फिर एल्यूमिनियम जस्ता और कोबाल्ट का, चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल जी दोस्तों, जर्मन सिल्वर जो होता है किसका अलॉय होता है, तांबा जस्ता और निकिल का, किसका, तांबा जस्ता और निकिल का अलॉय होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है, प्रसिद्ध खिलाड़ी, फुटबॉल खिलाड़ी मारडोना निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है, मारडोना जो है किससे संबंधित है, अर्जेंटीना से आपको संबंधित है, और ब्राजील से आपको याद रखनी है, कौन, पेले, क्योंकि 2020 में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि 2020 में जो है मारडोना की मृत्यु हुई थी, और पेले की मृत्यु कब हुई है, इसी साल हुई था, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, और 100% चांस है ये क्वेश्चन आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था, हैदराबाद का, मदुरई का, मैसूर का, या फिर विजयनगर का, चलिए डॉक्टर जल्दी से क्वेश्चन पर 75 का राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर क्या रहेगा, रशिया में आप जल्दी सोचेंगे, बिल्कुल दोस्तों मैसूर, ऑप्शन नंबर 3 का राइट रहेगा। चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ज्यादा टाइम वेस्ट कर लिया है, क्वेश्चन है, हॉकी को एशियाई खेलों में पेश कब किया गया था, हॉकी को एशियाई खेलों में शामिल किया गया था 1968 के टोक्यो के, 1962 में जो जकार्ता में हुए थे, 1966 में जो बैंकॉक में हुए थे, या फिर 1970 में जो क्या हुए थे, बैंकॉक में आपके हुए थे। तो हॉकी से आपका क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था मेरे ख्याल से, ठीक है, 2020 में पूछा गया था कि हॉकी को एशियाई खेलों में कब शामिल किया गया था, टोक्यो में आपके एशियाई गेम हुए थे, कब हुए थे, 1968 में हुए थे, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 आपके सामने, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान डैश में, केवला देव नेशनल पार्क लोकेटेड मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, या फिर छत्तीसगढ़, जल्दी से बताइए 77 का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा। बिल्कुल दोस्तों कहां पर स्थित है, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान जो है भरतपुर राजस्थान में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के
द्वारा 1913 में बनाई गई फिल्म डैश की टीआईडी हैंगिंग गार्डन राजा हरिचंद्र या फिर गेस्ट हाउस। चलो दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर क्या रहेगा? तो पहले बात की जाए कि भारत की पहली मूक फिल्म कौन थी? राजा हरिश्चंद्र की। और राजा हरिश्चंद्र जो थी कब बनी थी? ये बनी थी आपकी 1913 में। कब बनी थी? 1913 में थी। और ये किसके द्वारा बनाई गई थी? बिल्कुल किसके द्वारा? दादा साहेब फाल्के द्वारा बनाई गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है, बर्मान के अध्ययन को डैश के रूप में जाना जाता है। स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज आल्सो नाउ ब्रह्मांड विज्ञान, ज्योतिष, भूकंप विज्ञान या फिर लिंगु लगा। ठीक है, अजीब सा नाम है, इसे काट भी सकते हो। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहता है? कॉस्मोलॉजी। क्या कहता है? कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। और हिंदी में आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, ब्रह्मांड विज्ञान कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों क्वेश्चन है, निम्नलिखित से बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र होता है। अब बेकिंग सोडा क्या करो? बेकिंग सोडा क्या होता है? खाने वाला सोडा। अब खाओगे तो क्या करोगे? बाय बाय करोगे। तो देखो बाय इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो क्या? सोडियम बाय कार्बोनेट ही है। बाय आपने करा, खाने के बाद क्या करोगे? बाय करोगे, तो बाय कार्बोनेट उसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा गैस के प्रकार है। किसके प्रकार है? ऊष्मा के, विद्युत ऊर्जा के, यांत्रिक ऊर्जा के या फिर चुंबकीय ऊर्जा के। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, शायद क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है। स्थितिज और गतिज ऊर्जा होते हैं किसके उदाहरण होते हैं? बिल्कुल दोस्तों, किसके? गतिज ऊर्जा की एक उदाहरण होते हैं, या फिर कह सकते हैं स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के कंबाइन से आपकी क्या बनती है? यांत्रिक ऊर्जा बनती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, पृथ्वी पर दिन और रात के चक्कर का क्या कारण होता है? पृथ्वी पर दिन और रात किसके कारण होती है? पृथ्वी के घूर्णन का कारण होती है। बिल्कुल दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से डैश नामक रोग होता है। विटामिन ए रतौंधी, गढ़माला, यक्ष्मा जिसे हम ब्यूरो दौर करते हैं या फिर डैनियल। अब सिंपल सा है, विटामिन ए से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस होती है। तो बिल्कुल क्या ऑप्शन नंबर ए रतौंधी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल जनित रोग है? बाटर द्वारा फैलने वाली डिजीज कौन है? चिकन पॉक्स, मलेरिया, कोलेरा या फिर ट्यूबरक्लोसिस। जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। बिल्कुल दोस्तों, हेजा नामक रोग है किसके द्वारा? दूषित जल और दूषित भोजन से आपका फैलता है। जिससे दूषित जल और दूषित भोजन से ये फैलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है, आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत होता है। मोस्ट अब्सेंट सोर्स ऑफ आयरन, आयरन का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है? जल्दी बताइए। बिल्कुल दोस्तों, क्या हरी सब्जियां जो होती है उसका स्रोत होती है, यह आपकी आयरन की अच्छी स्रोत होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है, पेंसिल में या फिर पेंसिल में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन मिलेगा, कोयले का, शीशे का, सिलिका का या फिर ग्रेफाइट का। चलिए जल्दी बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर। बिल्कुल सही बिल्कुल, क्या? ग्रेफाइट। किसका प्रयोग कहता है? ग्रेफाइट का प्रयोग कहता है। ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है, निम्नलिखित या फिर निम्न में से किसका प्रयोग रक्त कैंसर यानी ल्यूकेमिया के लिए किया जाता है? अब रक्त कैंसर को आपको याद रखना है, क्या कहा जाता है? ल्यूकेमिया भी कहा जाता है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है कि रक्त कैंसर का अन्य नाम क्या होता है? ल्यूकेमिया होता है। और इसके लिए किसका प्रयोग? बिल्कुल दोस्तों, किसका? कोवाल्ट 50 का। किसका? कोवाल्ट 50 का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है, आग बुझाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन मिलेगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड या फिर आयोडीन। आयोडीन भाई, आयोडीन कैसे रहेगा? कोबाल्ट 60 बिल्कुल सही। जल्दी से 88 का राइट आंसर बताइए। आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग? बिल्कुल बिल्कुल, किसका प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 का राइट आंसर रहेगा। चलिए
क्वेश्चन नंबर 89 आपके सामने, भारत का पहला वायसराय कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु बिकम द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मेलिमेंटिंग, लॉर्ड वेलेस्ली या फिर लॉर्ड कैन। जल्दी से बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 89 का राइट आंसर क्या रहेगा, भारत के पहले वायसराय बनने वाले व्यक्ति कौन थे? बिल्कुल सही दोस्तों, कौन? लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता किसके द्वारा मापी जाती है? भूकंप की तीव्रता मापी जाती है बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, पॉलीग्राफ या फिर सिस्मोग्राफ द्वारा। नर्सिंग के लिए भी क्लास है भाई जरूरी, नर्सिंग के लिए भाई कोई विवाह नहीं है, कोई टीचर भी नहीं है, तो नर्सिंग नर्सिंग की क्लास में कैसे लगाऊं? ठीक है, बिल्कुल दोस्तों, किसके द्वारा? सिस्मोग्राफ द्वारा। किसके द्वारा? सिस्मोग्राफ द्वारा जो है भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, ऑप्शन नंबर डी आई से अड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 वाला आपके सामने क्वेश्चन है, सबसे भारी उत्कृष्ट गैस कौन सी है? हैविस नोबल गैस, ऑप्शन है रेडॉन क्रिस्टल, अगेंसन, अगेंसन या फिर ज़ेनॉन। चलिए जल्दी से 91 का दोस्तों राइट आंसर बताइए, इनमें से सबसे भारी उत्कृष्ट गैस कौन सी है? बिल्कुल दोस्तों, कौन? रेडॉन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। क्या? ऑप्शन नंबर ए रेडॉन इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 92 आपके सामने क्वेश्चन है, लोहे को जंग लगने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है? अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए, अब यहाँ पर आपको कंफ्यूजन होगा, द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग आयरन इज कॉल्ड क्या कहता है? कमी, गैल्विनीकरण, अवशोषण या फिर तक्षरण या फिर संक्षारण। ठीक है, जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 92 का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा। 92 का बी रहेगा, गैल्विनाइजेशन, नहीं डी किसने बताया? अंकित, ठीक है, अनिकेत भाई, अनिकेत भाई ने राइट आंसर बताया, हैप्पी यादव ने राइट आंसर बताया, नहीं, गैल्वेनाइजेशन होता है, ठीक है, गैल्वेनाइजेशन होता है आयरन को, ठीक है, आयरन को कोटिंग कर रहे हैं किसकी? जिंक की कोटिंग कर रहे हैं, जिससे की कोटिंग कर रहे हैं किसके लिए? रस्टिंग के बचाने के लिए, जंग लगने से बचाने के लिए गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। और लोहे को जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्या कहता है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट रहेगा। पहली बार आपने ये वर्ड सुना होगा, पर याद रखिएगा हमेशा ही कंफ्यूजन आपको हिंदी में रहता है, इंग्लिश में आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 आपके सामने क्वेश्चन है, पीतल डैश का मिश्र धातु होती है, ब्रॉन्ज इज मिक्सचर ऑफ तांबा और जस्ता, तांबा और टिन, तांबा निकल और जिंक या फिर तांबा एल्युमिनियम और मैग्नीशियम। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 93 का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा। जो तांबा पीतल होता है, ब्रॉन्ज होती है आपका किसका मिक्सचर होती है? बिल्कुल किसका मिक्सचर होती है? तांबा और जस्ते का मिक्सचर होती है, ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देवाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है, अंगूर में कौन सा अमल मौजूद होता है? बिट एसिड इज प्रेजेंट इन ग्रेप्स, ग्रेप्स, अंगूर में कौन सा अमल पाया जाता है? बिल्कुल सही दोस्तों, कौन? टार्टिक अमल। क्या? टार्टिक अमल जो है, टार्टिक एसिड जो है कितने अंगूर में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन बोल्ड मुझे लग रहा है इसलिए याद करा है, यूक्रेन की राजधानी क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ यूक्रेन? अब ये मुझे नहीं पता क्या लिखा हुआ है, ठीक है, मैंने जब ऐड करना था कर दिया, बुखारेस्ट, मिन्स्क या फिर कीव। जल्दी से बताइए 95 का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा, यूक्रेन की राजधानी क्या है? क्वीन, बिल्कुल सी दोस्तों, क्या? कीव, माफी दी, क्वीव, क्या? क्वीव या फिर कीव। कीव जो है किस देश की राजधानी है? बिल्कुल सी दोस्तों, किसकी? यूक्रेन की राष्ट्र, यूक्रेन की कैपिटल है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो होते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है, दिसंबर 1984 में भोपाल गैस प्रावधिक है निम्नलिखित में से किस गैस का रिसाव हुआ था? किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोक्लोराइड, मिथाइल फॉस्फेट या फिर मिथाइल आइसोटोप्रिन। जल्दी से दोस्तों 96 का राइट आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 96 इंपॉर्टेंट है, दिसंबर 1984 को भोपाल गैस प्राप्ति में किसका रिसाव हुआ था? बिल्कुल किसका? मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था, ऑप्शन नंबर ए राइट आ रहेगा। चलिए 97 आपके सामने क्वेश्चन सुनेगा,
स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु होती है? स्टेनलेस स्टील इज एन अलॉय ऑफ लोहा क्रोमियम निकल, लोहा क्रोमियम जस्ता और कार्बन, लोहा कार्बन जस्ता या फिर लोहा जस्ता और मैग्नीशियम। चलिए दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 97 का राइट आंसर सही, क्वेश्चन नंबर 97 का राइट आंसर क्या रहेगा जल्दी से। क्या लोहा क्रोमियम और निकल जो होता है किसका मिश्र धातु होता है? स्टेनलेस स्टील का मिश्र धातु होता है जिसमें क्रोमियम आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस कोयले की खदानों में विस्फोट का कारण बनती है? विस्फोट का कारण बनती है कोयला खदानों में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ब्यूटेन या फिर मीथेन। चलिए दोस्तों जल्दी से 98 का राइट आंसर सही, क्वेश्चन नंबर 98 का राइट आंसर क्या रहेगा? हैप्पी यादव पूछते हैं कि सर मैं आपकी रीजनिंग हिंदी की क्लास नहीं लगती है। भाई जरूर लगती है, जरूर लगाएंगे भाई, कॉल मत करो ठीक है, सर खुद भी उठा लूंगा ठीक है, जब कॉल होगा तो सभी के बाद उठा लेंगे। जल्दी से बताइए बिल्कुल दोस्तों क्या मिथेन ऑप्शन नंबर डी का राइट रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 आपके सामने क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्लीय वर्षा का अम्लीय वर्षा की घटना से संबंधित है? अम्लीय वर्षा की घटना से संबंधित है कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर मीथेन। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 99 का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल दोस्तों क्या सल्फर डाइऑक्साइड होती है किसके लिए जिम्मेदार होती है? किसके लिए? अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार होती है, प्रिया किस घटना से आपकी संबंधित होती है? लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, लास्ट क्वेश्चन सुनिएगा जल्दी से, क्वेश्चन है सरिस्का और रणथंभौर अभयारण्य किस पशु के लिए प्रसिद्ध है? सरिस्का और रणथंभौर जो सेंचुरी है या फिर पार्क है ये फेमस है हाथी के लिए, हिरण के लिए, बाघ के लिए या फिर भालू के लिए? चलिए दोस्तों जल्दी क्वेश्चन नंबर 100 का राइट आंसर बताइए। और उससे पहले जिन दोस्तों ने सेशन को लाइक नहीं करा सेशन कर दीजिएगा और जल्दी से सभी दोस्त हैं कमेंट बॉक्स में क्या जय हिंद जवाहर लिख दीजिएगा। जल्दी से मैं लिख देता हूँ जय हिंद जवाहर और जल्दी से बताइए कितने क्वेश्चन आपके राइट है। जल्दी सेशन को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए बिल्कुल दोस्तों किसके लिए? बाघ के लिए जाना जाता है, किन्हें? सरिस्का और रणथंभौर को किसके लिए? बाघ के लिए जाना जाता है या फिर कह सकते हैं सरिस्का और रणथंभौर है क्या है? टाइगर रिजर्व पार्क है। क्या है? टाइगर रिजर्व पार्क है। बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 का राइट रहेगा। जरूर आपका स्कोर बताइए दोस्तों कितना आपका स्कोर रहा है? सर कट ऑफ कितनी जाएगी? सबसे कट ऑफ बता दिए 60 से लेकर 75 के आसपास जो है कट ऑफ जाएगी एग्जाम की। अपना स्कोर बताइए जल्दी से। जानी सर अस्ताम शर्मा बुक करके ठीक है, वरुण शर्मा चले गया, शर्मा नहीं है, शर्मा आपका 20 है, सरम शर्मा जी, हाँ सरम शर्मा आपका ठीक है, 22 कितने आपके ठीक है, 18 गलत है, गुलशन कुमार बोल रहे हैं 87, हैप्पी यादव सर मेरा नाम लीजिए, हीरा लाल यादव भाई, हीरा लाल यादव जय हिंद हिमाचल रेड गेमिंग फोन भाई जय हिंद। टॉपिक वाइज क्लास कब होती है? टॉपिक वाइज क्लास होती है आपकी रोज शाम 9 बजे होती है।